खबर उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बेटे अली के गुर्गों के कब्जे की जमीन पर आज आवाज विकास परिषद ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। आगरा की रहने वाली गजाला बेगम की ये जमीन 90 के दशक से कब्जा की गई थी। बीच में जब गजाला ने जमीन को खाली कराने को कहा तो जमीन पर कब्जा करने वालों ने उससे 50 लाख की रंगदारी मांगी और अतीक के बेटे अली ने अपने गुर्गों से कहा कि इस जमीन को छोड़ना मत, इस पर ऑफिस बनवाएंगे। गजाला की बहन की शिकायत पर करेली थाने में अतीक के बेटे अली उसके 6 करीबियों पर रंगदारी सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इस कड़ी में आज गजाला की शिकायत पर आवाज विकास परिषद और PDA ने संयुक्त कार्रवाई करके अली के करीबियों का कब्जा जमीन से हटवाया और दुकानों के निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। इस बीच गजाला बेगम भी मौजूद थी। उनका कहना है कि लंबी लड़ाई के बाद आज सरकार ने उनको इंसाफ दिलाया है। दुकान मेरे भाई की इसमें है। एक्चुअली ये हमारा भाई सन 2009 से इसमें किरायेदार है, परवेज अख्तर अंसारी का। उनके भाई से, उनकी जो भावत से कुछ मुकदमे की मामला चल रहा था, तो मिस्टर तारिक है, मिस्टर तारिक को हमने जो है कागज़ दिया हेबानामा, किसके आधार पे आप इनका नाम चढ़ा दीजिए, किसका, नाजिश नायाब का। तारिक ने क्या किया कि फर्जी कागजात तैयार करा करके गजाला बेगम को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया, जबकि कई जगह से इनके ख़िलाफ़ वहाँ रिपोर्ट आ गई है। रजिस्ट्री ऑफिस से इनके खिलाफ रिपोर्ट है कि वहाँ से पन्ना खोला गया, पन्ना इस तरह से बदला गया है, और भी तमाम कई जगह से पुलिस रिपोर्ट लगी इनके ख़िलाफ़। ये पुलिसिया कार्रवाई पैसा दे करके ये काम करा रहे हैं, लीगल नहीं है। अभी ये दोनों में मुकदमा चल रहा है, अभी डिसाइड नहीं हुआ कि ओरिजिनल मालिक कौन। मधु चंदानी जिसने रजिस्ट्री किया उसने भी ये बात बताया। जिनका ये है आप चाहते हैं जो मालिक है वो कौन है? वो तो साहब अभी उनको पता नहीं होगा, वो अटाले पर रहते हैं। जी जी गलत, बिल्कुल गलत हो रही है, सरासर गलत हो रही है। अभी ये मालिक ही नहीं है, मुकदमा चल रहा है सिविल सूट का। दोनों आदमी मालिकाना हक दिखा रहे हैं, अभी किसी के फेवर में गया नहीं। आप जाते जो मालिक है, तो कोई सूचना भी नहीं, नहीं अभी सूचना नहीं, सूचना किसी को नहीं दी गई है। तो कहाँ जाना चाहते हैं? किसी को सूचना नहीं दी गई है। क्या चाहते हैं हम? चाहते ये है कि न्याय हो, ये चीज़ें गलत हो रही है, बिल्कुल गलत हो रही है। मोहम्मद शमीम, क्यों गिराया जा रहा है ये गजाला बेगम को रीसेल करी है मधु देवी से, इस पे अवैध कब्जे थे जिसको इन्होंने विकास प्राधिकरण के माध्यम से गिरवाया है। इसका एरिया है 296.06 वर्ग मीटर, इस समय इसका 45,000 रुपये वर्ग मीटर है और टोटल कीमत हो जाएगी 1,33,22,700। अवैध कब्जा था ये? हाँ अवैध कब्जा, जब गजाला बेगम का गजाला बेगम गिरवा रही तो अवैध है। सच्चाई क्या है? गजाला बेगम जिसमें मालिक नहीं है, गजाला बेगम फर्जी कागजात से मालिक बन रही है। आपका नाम क्या है? श्यामलाल मौर्य, परवेज अख्तर अंसारी का सहायक अभियंता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।